हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम फोटोशॉप के अंदर ब्लेंड इफेक्ट सीखने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लिया हुआ है फोटोशॉप के अंदर। ये फाइल मैंने freepik.com से डाउनलोड की थी, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं बस यहाँ पे एक वर्ड टाइप करूँगा, उसको हम इस बैकग्राउंड के साथ में ब्लेंड करके देखेंगे। तो इस ब्लेंड इफेक्ट को कैसे करना है ये इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सीखने वाले आज। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर देना और साथ ही में इस वीडियो को शेयर कर देना। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड ले लिया है और इसका मैं फॉन्ट यहाँ पे मोंटेसेराट रख देता हूँ। आपको जो भी चीज़ें लगेगी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सिंपली मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर दिया है, इस टेक्स्ट को हमें बैकग्राउंड के साथ में ब्लेंड करना है। तो सबसे पहले हमको इस टेक्स्ट की जो है इसको स्मार्ट लेयर बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और देन हमको इन दोनों लेयर्स को मर्ज करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने जो बैकग्राउंड लिया हुआ था वो बैकग्राउंड लेयर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे और इस वाले लेयर के डुप्लीकेट लेयर यहाँ पे बना देंगे। डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए हमको यहाँ पे नाम भी देना पड़ेगा, और ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे डेस्टिनेशन का, इसके अंदर हम न्यू को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और इसका नाम हम दे देंगे ब्लेंड। ब्लेंड्स कर देंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक फाइल यहाँ पे बनाकर रखी हुई है, उसके साथ में मैच ना हो पाए इसलिए मैं यहाँ पे ब्लेंड्स नाम दे रहा हूँ इसको, और क्लिक ओके कर देंगे। तो जैसे ही हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये हमको एक नया डॉक्यूमेंट बना के दे देगा। हमको सिंपली इस डॉक्यूमेंट को ब्लर कर देना है, डिसैचुर करने है। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको, इसका पूरा कलर मैंने ब्लैक एंड वाइट कर दिया है। हमको सिंपली जाना है फिल्टर मेनू में और यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्लर इफेक्ट ऐड कर देना है। तो गॉशियन ब्लर के ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ बता देता है लेयर पैनल के ऊपर। तो मैं सिंपली थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, और इस वाले डिटेलिंग के ऊपर हम फोकस करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं जितना भी इसका प्रॉपर्टीज़ बढ़ा देता हूँ जब भी, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये ब्लर हो रहा है। तो मैं एक थोड़ा सा अमाउंट इसका ज़्यादा रखूँगा यहाँ पे, और जहाँ पे मुझे सही लग रहा है यहाँ पे एटलीस्ट मुझे इतना ब्लर चाहिए, तो मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ, यहाँ पे 40 पिक्सल का, और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। आपको क्या करना है, जस्ट इस लेयर को सेव कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट एस दबा के सेव एज कर देना है, और सेव ऑन कंप्यूटर। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक लेयर बनाया हुआ है, तो मेरा जो अभी का नाम है ब्लेंड्स वो यहाँ पे शो कर रहा है, तो मैं इसी नाम से इस लेयर को सेव कर देता हूँ, और इसका काम होने के बाद में हमको इसको क्लोज कर देना है। अब आते हैं हमारे इस लेयर के ऊपर, और ब्लेंड को हमको जहाँ पे रखना है वहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को इसको सेट कर देते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट तो हमने बना लिया है। हम जाएंगे अभी फिल्टर मेनू के अंदर और डिजॉर्ट में जाएंगे, और डिस्प्लेस नाम का यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, उसको हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे उसके प्रॉपर्टीज़ बता रहा है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे 20-20 पिक्सल कर देते और देखते कि क्या होता है, और यहाँ पे मैंने ब्लेंड्स वाला जो ऑप्शन है वो, उसको फाइल है जो ब्लेंड्स वाली, उसको सिंपली सिलेक्ट कर देना है और ओपन कर देना है यहाँ पे। तो उस फाइल के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हो गए ना तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे स्मार्ट फिल्टर के अंदर। मैं इसे जैसे ही बंद कर देता हूँ तो ये ब्लेंड जो है थोड़ा सा जो डिस्प्लेस हो गया है वो ऑफ हो जाएगा। तो मुझे अभी इतना नहीं चाहिए, मुझे इससे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ फिर से, या तो सिंपली आप इस इफेक्ट को डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे। और मैं फिर से जाऊँगा फिल्टर मेनू के अंदर, डिजॉर्ट में जाऊँगा डिस्प्लेस में, और सिंपली मैं इसके प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा दूंगा। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितना उसको डिस्प्लेस करना है, उस हिसाब से आप प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर देना आपके हिसाब से। देन मैं क्लिक करूँगा ओके के ऊपर, और यहाँ पे मैं फिर से वही फाइल को सिलेक्ट कर दूंगा ब्लेंड्स वाली को। अब ये देख सकते हैं कि आप कितने अच्छी तरह से ये डिस्प्लेस हो चुका है। हमको सिर्फ इसके अंदर क्या करना है, राइट क्लिक करना है इस लेयर के ऊपर और आपके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाना है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर हमको प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है। तो मैं ये थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ, आपको यहाँ पे दिखने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे जो है इस वाले नॉच को मैं यहाँ से थोड़ा सा राइट साइड में मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखने लगा है ऊपर, तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, और ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके दो हिस्से हो चुके हैं। फर्स्ट वाला हिस्सा जो है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे खींच दूंगा राइट साइड में, और ब्लैक वाला जो है लेफ्ट वाला जो है मैं थोड़ा सा इसको सेटिंग कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे ये दिखने में काफ़ी सही लग रहा है, तो
तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इस तरह से आप आपके हिसाब से जो भी आपके जो ऑब्जेक्ट्स है उसको एक दूसरे के साथ में आप ब्लेंड कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान मेथड है, आपके दोस्तों के साथ में शेयर करो। जैसे कि यहाँ पे टी शर्ट है, टी शर्ट के ऊपर भी मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया हुआ है। अगर मैं इसका स्मार्ट फिल्टर निकाल लेता हूँ तो ये रियलिस्टिक नहीं लगेगा आपको, क्योंकि ये जो रिंकल्स है उसके साथ में टोटली मर्ज हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।